तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी मूवीज के बारे में। दोस्तों ये सारी मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आपको आसानी से हिंदी में भी मिल जाएंगी। और दोस्तों इससे पहले मैं एडल्ट कॉमेडी पे 3 वीडियो और बना चुका हूँ, अगर आपको वो भी देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है द फाइव ईयर एंगेजमेंट। दोस्तों द फाइव ईयर एंगेजमेंट को 2012 में रिलीज किया गया था। 2 hours 4 minutes इसकी लेंथ है, जिसको कि दोस्तों IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटो ने इस मूवी को रेटिंग दी है 63% की। दोस्तों ये रोमांस और कॉमेडी जोनर की मूवी है, जिसमें कि जेसन सेगल और एमिली ब्लंट ने मेन कैरेक्टर निभाया था। दोस्तों ये बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है। दोस्तों इसमें बहुत सारे एडल्ट सीन भी दिखाए गए हैं, तो अगर दोस्तों आपको एक अच्छी एडल्ट कॉमेडी मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। नंबर 9 पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है द ब्रेकअप। दोस्तों द ब्रेकअप को 2006 में रिलीज किया गया था। 1 hour 46 इसकी मिनट है, और दोस्तों इस मूवी का जोनर है कॉमेडी और ड्रामा, जिसको कि IMDb ने 5.8 की रेटिंग दी थी। और दोस्तों इस मूवी में मेन कैरेक्टर निभाया था विंस वेगन और जेनिफर एनिस्टन ने। दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अच्छी कॉमेडी भी दिखाई गई है, और दोस्तों आपको दिखाया गया है कैसे एक लड़के और लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या उनके साथ होता है, यही सब दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 8 दोस्तों पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है ब्रिजिट जोन्स डायरी। दोस्तों ब्रिजिट जोन्स डायरी को 2001 में रिलीज किया गया था। 1 hour 37 minutes इसकी लेंथ है, और दोस्तों इस मूवी का जोनर है रोमांस और कॉमेडी, जिसको कि IMDb ने 6.7 की रेटिंग दी और रोटेन टोमेटो दोस्तों इसको बेहतरीन 80% की रेटिंग दी थी। और दोस्तों इस मूवी में मेन कैरेक्टर में आया कोलिन फ्रेथ और ह्यूज ग्रैंट ने। दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन एडल्ट कॉमेडी मूवी ही है। दोस्तों इसमें आपको कई रोमांटिक सीन भी देखने को मिल जाएंगे, दोस्तों बेहतरीन कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप रोमांटिक कॉमेडी मूवीज के शौकीन हो तो ये मूवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। नंबर 7 पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है द एक्स। दोस्तों द एक्स को 2006 में रिलीज किया गया था। 1 hour 39 minutes इसकी लेंथ है, और दोस्तों इस मूवी का जॉनर है रोमांस एंड कॉमेडी, जिसको कि IMDb ने 5.5 की रेटिंग दी। और दोस्तों इस मूवी में मेन कैरेक्टर निभाया है जेसन बैटमैन और एमी एडम्स ने। दोस्तों आपने एमी एडम्स की बहुत सारी मूवी देखी होंगी, उनको आपको पता ही वो कितनी बेहतरीन एक्टिंग करती है, और दोस्तों कॉमेडी रोल में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये भी उनकी एक बेहतरीन मूवी है दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारे एडल्ट सीन और कॉमेडी दोनों बहुत सारी दिखाई गई है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहो तो एक बार जरूर देख सकते हो, बेहतरीन मूवी है ये भी। नंबर 6 दोस्तों पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दिस इज 40। दोस्तों दिस इज 40 को 2012 में रिलीज किया गया था। 2 hour 14 minutes इसकी लेंथ है। दोस्तों इस मूवी का जोनर है रोमांस और कॉमेडी, और जिसको कि IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी थी। और दोस्तों इस मूवी मेन कैरेक्टर निभाया था पॉल रूड और लेस्ली मान ने। दोस्तों अगर आपको नहीं पता पॉल रूड कौन है, तो ये भाई अभिनेता है जो आजकल मार्वल की मूवी एंटमैन का कैरेक्टर निभाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एंटमैन के फैन हो तो इस मूवी को भी आप एक बार जरूर देख सकते हो, इसमें भी आपको बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इस मूवी का जोनर रोमांस भी है, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को भी एक बार जरूर देख सकते हो। नंबर 5 दोस्तों पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है रस आवर। दोस्तों रस आवर मूवी के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, तीनों आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तीनों दोस्तों जबरदस्त कॉमेडी मूवी है। इन मूवी को दोस्तों इनमें पहली मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको कि 1998 में रिलीज किया गया था। 1 hour 39 minutes की लेंथ है। और दोस्तों इन मूवी में मेन कैरेक्टर निभाते हैं जैकी चैन और क्रिस टकर। दोस्तों इनकी जोड़ी बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ये दोनों कॉमेडी करते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था ये मूवी बनी थी जब कि इतनी बेहतरीन कॉमेडी मूवी निकलेगी, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप इसको एक बार जरूर देखना है, आप मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 4 दोस्तों पे जो मूवी आती है इसमें का नाम है मिस्टर डीड्स। दोस्तों मिस्टर डीड्स को 2002 में रिलीज किया गया था। 1 hour 36 minutes इसकी लेंथ है। और दोस्तों इस मूवी का जॉनर है रोमांस एंड कॉमेडी, जिसको IMDb ने 5.8 की रेटिंग दी है। और दोस्तों इस मूवी मेन कैरेक्टर निभाया है एडम सैंडलर ने। दोस्तों ये भाई अभिनेता है जिन्होंने डोंट मैस विद जोहान में भी मेन कैरेक्टर निभाया था। तो दोस्तों आप इन दोनों मूवीज को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवी है दोस्तों, एडल्ट कॉमेडी मूवी है, आपको इनको देखने में जरूर मजा आने वाला है। नंबर 3 दोस्तों पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है लव सिमन। दोस्तों लव सिमन को 2018 में रिलीज किया गया था, और 1 hour 50 minutes इसकी लेंथ है। दोस्तों इस मूवी का जॉनर है कॉमेडी और ड्रामा, जिसको कि दोस्तों IMDb ने 7.7 और रोटेन टोमेटो ने 92% की रेटिंग दी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन मूवी होगी ये। और दोस्तों इस मूवी में निक रॉबिन्सन ने मेन कैरेक्टर लगाया। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि दोस्तों इसमें एक लड़का एक लड़के से ही प्यार करता है, लेकिन दोस्तों उनके साथ में बीच बीच में क्या क्या होता है और उनको कितने कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये देखने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन इसको देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, इसमें बहुत ही ज्यादा कॉमेडी और एडल्ट ड्रामा भरा हुआ है, तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। नंबर 2 दोस्तों पे जो मूवी आती है उसमें का नाम है बैड टीचर। दोस्तों बैड टीचर को 2011 में रिलीज किया गया था। 1 hour 37 minutes इसकी लेंथ है। और दोस्तों इस मूवी का जॉनर है रोमांस एंड कॉमेडी, जिसको भी दोस्तों IMDb ने 5.6 की रेटिंग दी है। दोस्तों इस मूवी में मेन कैरेक्टर निभाया था कैमरॉन डियाज ने। दोस्तों इन्होंने इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी, और दोस्तों ये बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जिसमें कि आपको दोस्तों अच्छी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ अच्छे एडल्ट सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं,
ये मूवी आपका दिल बना सकती है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है। पर वन दोस्तों नंबर वन पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द डिक्टेटर। दोस्तों द डिक्टेटर को 2012 में रिलीज किया गया था। 1 hour 39 minutes इसकी लेंथ है। दोस्तों इस मूवी का जॉनर है कॉमेडी, जिसको की IMDb में दोस्तों 6.4 की रेटिंग दी है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी कॉमेडी दिखाई गई है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें अजीब अजीब से एडल्ट सीन भी दिखाए गए हैं जिनको देखने में आपको दोस्तों मजा आता है दोस्तों। लेकिन ये मूवी हिंदी में तो आ चुकी है, लेकिन दोस्तों इसका एक वर्जन टीवी पर रिलीज किया गया था जिसमें कई सीनों को काट दिया था। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखें तो इसका अनकट वर्जन ही देखें, और अनकट वर्जन भी हिंदी में आ चुका है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनकट वर्जन में बहुत से ऐसे सीन है जिनको टीवी पर नहीं दिखाया गया था। तो आप इस मूवी को एक बार और देख सकते हो अगर आपने इसको पहले देखा है तो। ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह की और दोस्तों हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मुझे कमेंट में जाके बताएं कि आपको कौन सी मूवीज की लिस्ट और जाननी है।